Let's do question number 3 of exercise 7.1, that is cube and cube root. Question number 3 is find the smallest number by which each of the following number must be divided to obtain a perfect cube. हमें एक smallest number निकालना है by which जिसकी वजह से हम इस नंबर को डिवाइड कर सकें, किस लिए, जिससे कि जो नंबर निकल के आए वो परफेक्ट क्यूब हो। इसका मतलब ये जो नंबर्स दिए हुए वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो हम कौन से ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर से इन नंबर्स को डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। लास्ट क्वेश्चन अगर आपने देखा हो क्वेश्चन नंबर 2, तो हमने वहां डिवाइड नहीं किया था, हमने वहां मल्टीप्लाई किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, राइट। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट है हमारा 81, तो हम फिर से अपना प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 81 का। तो ये 3 से जाएगा, 3 2s 6 एंड 3 7s 21, अगेन 3 से जाएगा, 3 9s 27, अगेन 3 से, 3 3s 9 एंड 3 1s 3। तो कितनी टाइम्स 3 आया, 4 टाइम्स 3 आया। तो अब परफेक्ट क्यूब के लिए हम 3 3 के पेयर्स बनाते थे, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पेयर बनाए, लेकिन इस 3 का कोई पेयर नहीं बनाए। तो जो वैल्यू रह जाती है उसी से हम इस अबव नंबर को क्या कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में डिवाइड किया हुआ है, कहा हुआ है, इसलिए हम इसको इस नंबर से डिवाइड कर देंगे। और अगर मल्टीप्लाई होता तो किससे मल्टीप्लाई करते, जितने टाइम्स रह गया है पेयर बनने के लिए। तो क्योंकि यहाँ पे एक ही 3 है, 2 3 और होने चाहिए थे परफेक्ट क्यूब के लिए, तो हम अगर मल्टीप्लाई करना होता तो 2 3 से मल्टीप्लाई कर देते। क्योंकि यहाँ डिवाइड करना है और एक ही 3 बचा है, तो हम इसको रिमूव करने के लिए क्या कर देंगे, अबव नंबर को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो एज above number is not a perfect cube, perfect cube नहीं है above number, so to make it a perfect cube, make it a perfect cube, we have to divide 81 by 3। 81 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। इससे आगे हमें कैलकुलेट नहीं करना है, इसको बस यही बताना है कि किस नंबर से हम डिवाइड करेंगे। तो दैट मीन्स हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 इज द आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट है हमारा 128। अब हमें बताना है 128 को किससे डिवाइड करेंगे, तो हम फिर से अपना प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 2 6s 12, 2 4s 8, अगेन 2 से, 2 3s 6, 2 2s 4, अगेन 2 से, 2 1s 2, 2 6s 12, अगेन 2 से, 2 8s 16, 2 4s 8, अगेन 2 से, 2 2s 4 एंड 2 1s 2। तो कितना आ गया, देखिए अगर आप 2 देखें, 3 4 5 6 7 टाइम्स 2 आ रहा है, तो हम 7 टाइम्स 2 लिख देंगे, 2 2 2 2 एंड 2। अब 3 3 के पेयर्स बनाएंगे, तो ये देखिए कितने 2 रह रहे हैं, एक 2 बच गया, तो उसी से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे एज अबव नंबर is not a perfect cube, is not a perfect cube, so to make it a perfect cube, make it a perfect cube, we have to divide किसे डिवाइड करना पड़ेगा, 128 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इस बचे हुए 2 से। दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट है हमारा 135। अब 135 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये आ गया 5 से जाएगा 5 2s are 10, 5 7s are 35। अब 3 से चला जाएगा 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देंगे 3 into 3 into 3। अब पेयर्स बना देंगे तो कौन सा वैल्यू बचा है दैट इज 5, तो हम यहां लिख सकते हैं एज above number is not a perfect cube, is not a perfect cube, so to make it a perfect cube, make it a perfect cube, we have to divide it by, we have to डिवाइड, किसको डिवाइड करेंगे 135 को डिवाइड करेंगे किससे, बाय जो ये 5 बचा हुआ है, बाय 5 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट इज 192। तो फोर्थ पार्ट लिख लेते हैं अपना। फोर्थ पार्ट है हमारा 192। अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 192 का। तो 2 से जाएगा 2 9s are 18, 2 6s are 12, अगेन 2 से 2 4s are 8, 2 8s are 16, अगेन 2 से 2 2s are 4, 2 4s are 8, अगेन 2 से 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6 एंड 3 1s are 3। तो फैक्टर्स लिख दिए सारे। तो 2 कितने टाइम्स है 6 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 है और 1 टाइम 3 है। अगर हम पेयर्स बनाए 3 3 के तो 2 का पेयर बन रहा है लेकिन 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो हम यहां लिख सकते हैं एज अबव नंबर इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब नहीं है अबव नंबर, सो टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, वी हैव टू डिवाइड इट बाय, वी हैव टू डिवाइड, किसको डिवाइड करेंगे 192 को डिवाइड करेंगे किससे, बाय, देखिए ये अकेला 3 है तो 3 से ही डिवाइड कर देंगे इज द आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। फिफ्थ पार्ट इज 704। अब इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए। तो 2 से गया 2 3s are 6, 2 5s are 10, 2 2s are 4, अगेन 2 से 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 6s are 12, again 2 2 8s are 16, 2 8s are 16, अब again 2 2 4s are 8, 2 4s are 8, again 2 2 2s are 4, 2 2s are 4, again 2 2 1s are 2, 2 1s are 2 and last में 11 1s are 11। तो 2 कितने टाइम्स आया है 6 टाइम्स। तो हमने यहाँ लिखा 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 and into 11। अब परफेक्ट क्यूब के लिए हम 3 3 के पेयर्स बनाएंगे लेकिन 11 का कोई पेयर नहीं है। इससे रिलेटेड आरएस अग्रवाल सॉल्यूशन आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब देखिए हम यहां लिख सकते हैं एज अबव नंबर इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब नहीं है, सो to make it a perfect cube, make it a perfect cube, we have to divide, we have to divide, right, 704 by 11, 11 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। आंसर।